हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सार्थक मेटल्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। ये कंपनी क्या काम करती है, बिजनेस सेगमेंटेशन क्या है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से निवेश किया जा सकता है नहीं, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाला हम इसी वीडियो में। सो यहाँ पर आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और उसके साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को इस डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम सार्थक मेटल्स कंपनी के बारे में बात करेंगे, और उसी के साथ साथ में यहाँ पर कंपनी है कैश फ्लोज दैट इज़ ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एज वेल एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी यहाँ पर किस तरह से परफॉर्म होते हुए देखने को मिल रही है, उसके बारे में भी चर्चा करने वाली है। कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पर करेंटली जिस तरह ट्रेड कर रहा है उसके हिसाब से यहाँ पर हमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे, और उसी के साथ साथ में पिछले कुछ क्वार्टर से कंपनी के अंदर जो कंपनी प्रमोटर्स है उनकी जो होल्डिंग है वो इंक्रीज़ हुई है, डिक्रीज़ हुई है, या फिर स्टेग्नेंट ही रह रही है, उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। और पिछले कुछ क्वार्टर्स में यहाँ पर कंपनी के जो नतीजे है दैट इज़ क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, और एनालाइज करके यहाँ पर कोशिश करेंगे कि यहाँ पर अगले कुछ क्वार्टर्स के अंदर कंपनी किस तरह के नतीजे आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कंपनी के बारे में बात करें, सार्थक मेटल्स जो कि पहले जो है सार्थक मेटल्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से जानी जाती थी। तो ये कंपनी का जो मेन जो कारोबार है वो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉर्ड वायर्स, एल्यूमिनियम वायर्स, उसके रॉड्स, वायर फीडर मशीन, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन जो चीज़ होती है जो कि यहाँ पर डायरेक्टली स्टील मेकिंग प्रोसेस से रिलेटेड होती है, जैसे कि स्टील के प्लांट्स, फैब्रिकेशन यूनिट्स और फाउंड्रीज जो होती हैं उसके अंदर एक कंपनी काम करती है, उसका उत्पादन करती है, और उसके तो जो रेवेन्यू होता है उससे जो है कंपनी यहाँ पर रेवेन्यू कंपनी टॉप लाइन एज वेल एज बॉटम लाइन यहाँ पर में शो होती है। बट यहाँ पर हमें एक और चीज़ पता नहीं कि कंपनी के यहाँ पर जो है एज़ पर द वेबसाइट यहाँ पर हमने जिस तरह चेकआउट किया अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पर जो है कंपनी बहुत ही बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, उनमें से अगर मैं यहाँ पर थोड़े बहुत अच्छे नाम यहाँ पर आपको बता दूँ तो टाटा स्टील, JSW स्टील, सेल, भूषण, जिंदाल स्टील, SR स्टील और JSL स्टील, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज जो है यहाँ पर हमें इस कंपनी के क्लाइंट्स भी देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर कंपनी के मार्केट कैप की बात करूँ तो यहाँ पर 156 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है, और करंटली शेयर ट्रेड कर रहा है 113 रुपये पे, और यहाँ पर जो लो प्राइस देखने को मिला वो था यहाँ पर 59 और हाई प्राइस है यहाँ पर 145। और अच्छी बात क्या है कि इस तरह के स्मॉल कैप नहीं बल्कि पेन स्टॉक जैसे मार्केट कैप के साथ में भी यहाँ पर 1.76% का यहाँ पर हमें डिविडेंड भी देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज काफ़ी तगड़े, दैट इज़ 38.8% के रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 40.1% तगड़ा देखने को मिल रहा है। डेट ना के बराबर सिर्फ 10.7 करोड़ का ही देखने को मिल रहा है, और कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो भी है 63.2 रुपीज़ पर। कंपनी के अगर मैं यहाँ पर या रेवेन्यूज़ के ऊपर हम चर्चा करें तो 2019, 2020 और 2021 के अंदर भी कंपनी के रेवेन्यूज़ काफ़ी तगड़े देखने को मिल रहे थे, बट यहाँ पर 2022 के अंदर कंपनी के रेवेन्यू डबल से भी ज़्यादा जो है ग्रो होते हुए देखने मिले हैं, और कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी भी यहाँ पर 2-4 times जो है यहाँ पर हमें ग्रो होते हुए देखने को मिली है। टॉप लाइन एज बॉटम लाइन के अंदर काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पर हमें टर्न अराउंड और जो पॉजिटिविटी होती है वो यहाँ पर हमें देखने को मिली है। कंपनी अगर मैं यहाँ पर क्वार्टर रिजल्ट्स का अगर मैं यहाँ पर अच्छे से एनालाइज करते हैं तो यहाँ पर 2021 की बात करें तो यहाँ पर शुरुआत ही 100 करोड़ के आसपास से हुई थी, और यहाँ पर 2022 के अंदर अभी के जो दो क्वार्टर्स के जो नतीजे हैं वो भी काफ़ी तगड़े देखने को मिल रहे हैं, दैट इज 147 करोड़ और 133 करोड़। तो यहाँ पर एवरेज समझ लेते हैं कि 130 करोड़ का भी कंपनी यहाँ पर रेवेन्यू करती है चार क्वार्टर में, तो भी यहाँ पर दैट इज़ 260-500 करोड़ प्लस कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पर अगले साल भी देखने को मिल सकता है। दैट इज़ अगेन अ पॉजिटिव सेंटीमेंट। मार्च के अंदर 8 करोड़ और जून के अंदर भी 8 करोड़, तो यहाँ पर 16 करोड़ का तो प्रॉफिट तो है, कंपनी यहाँ पर पहले से ही कमा लिया है 16, और अगले दो क्वार्टर में और 16 करोड़ कमा लेते तो 32 करोड़ के जो कंपनी है जो प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स है वो भी देखने को मिल सकते हैं। दैट इज़ 27 करोड़ से 32 करोड़ का जो है कंपनी का यहाँ पर हमें जंप देखने को मिलेगा कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर। दैट इज़ ऑलमोस्ट अगर हम देखते हैं परसेंटेज वाइज तो प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर भी 15-25% या फिर 20% का जंप देखने को मिल सकता है। दैट इज़ वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज़ अगर यहाँ पर कंपनी इस तरह से ही परफॉर्मेंस करती है तो। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे जाते हैं तो कंपनी की जो पब्लिक दैट इज प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी तगड़ी, दैट इज 69.83% का जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर प्रमोटर्स द्वारा की गई हुई है, और जो पब्लिक का इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर है 30.17% का।
कैश फ्लो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पर 16 करोड़ का देखने को मिल रहा है और यहाँ पर कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पॉजिटिव में 3 करोड़ देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आई थिंक यहाँ पर छोटी कंपनी है तो यहाँ पर इन्वेस्टिंग थोड़ी बहुत अच्छी होनी चाहिए, फिक्स एसेट के अंदर भी होनी चाहिए या फिर एसेट्स को जो बाय करने के लिए या फिर जो मशीनरीज बाय करने के लिए अच्छे से एसेट्स होते हैं और यहाँ पर कंपनी है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अगर यहाँ पर माइनस में आती है तो थोड़ा बहुत अच्छा पॉजिटिव सेंटीमेंट यहाँ पर हमें और देखने को मिल सकता था। और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो -15 करोड़ रुपीज और नेट कैश फ्लो जो है यहाँ पर हमें 4 करोड़ का देखने को मिल रहा है। 5 ईयर हाई प्राइस की बात करो तो 444 और लो प्राइस रहा यहाँ पर 9 डेट इज 9.2 रुपीज़। अगर मैं अभी की बात करूँ तो एक अच्छा सा बॉटम बना और बॉटम में फिर से जो है तेज़ी देखने को मिल रही है और अभी शॉर्ट टाइम के लिए यहाँ पर हमें डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है। सो फॉर अ टाइम बिंग यहाँ पर 2.07% की गिरावट से 113.35 पे शेयर जो है क्लोज जरूर तो देखने को मिला है। रिस्की जरूर है स्टॉक यहाँ पर जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी कम है बट फिर भी 100 के आसपास अगर यहाँ पर आता है ये शेयर तो मेरे हिसाब से जो है शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए जो है यहाँ पर निवेश किया जा सकता है बिकॉज यहाँ पर कंपनी फाइनेंशियल्स काफ़ी तगड़े लग रहे हैं और अगले एक दो क्वार्टर में या फिर जो है क्वार्टरली बेस पर अगर कंपनी जो है स्लोली स्टडली अच्छा परफॉर्म करती है तो शेयर प्राइस के अंदर भी ये जो चीज़ है वो यहाँ पर हमें ज़रूर डेफिनेटली जो है यहाँ पर रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को मिल सकती है। सो होप करता हूँ कि यहाँ पर आपको सार्थक मेटल्स लिमिटेड कंपनी के बारे में जिस तरह से यहाँ पर हमने एनालिसिस कर बताया वो यहाँ पर आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।